ट्रेन का अंदरूनी मंजर। यहाँ पर दरमियान में जो है अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज अभी इस वक्त हम मौजूद हैं तरनोल स्टेशन पे और यहाँ से हमने जाना है जी कोहाट, और तरनोल से कोहाट के लिए एक ट्रेन चलती है कोहाट एक्सप्रेस के नाम से। कोहाट के लिए रावलपिंडी से सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है, तो हमने यहाँ से कोहाट के लिए निकलना है और ट्रेन जो है अभी रस्ते में यहाँ पर पहुँचने वाली है तकरीबन 5-7 मिनट तक। रावलपिंडी से निकलती है 3:30 बजे और 4 घंटे का इसका सफ़र है जो कि कवर करती है 177 किलोमीटर का डिस्टेंस। और अगर कोहाट से बात की जाए तो कोहाट से ये ट्रेन निकलती है सुबह 7:30 बजे और 4 घंटे के अंदर यहाँ पर रावलपिंडी में पहुँचती है। रावलपिंडी से निकलने के बाद इसका पहला स्टॉप होता है गोदड़ा शरीफ में, और उसके बाद जो दूसरा स्टॉप है वो यहाँ तरनोल में, और तरनोल से आगे इसके 7 स्टॉप और हैं। और अगर इस ट्रेन के नंबर की बात की जाए तो 133 इसका अप है और 134 डाउन। ये आप स्टेशन देख सकते हैं मेरे पीछे, छोटा सा एक ट्रेन का स्टेशन है, और वो पीछे अगर आप देखें तो पीछे रोड है और वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, कोई फाटक वगैरह नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आएगी तो सिक्योरिटी वाले यहाँ से रास्ते को बंद कर देंगे। तो अभी ट्रेन आने वाली है, टिकट हमने बाय कर लिए हैं, 400 रुपये का टिकट है अभी की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये नवंबर 2023, और इनके रेट्स में अप डाउन हो सकता है। ये सामने अगर आप देखें तो सामने से मेन रोड गुजरता है और वो सामने प्लेटफॉर्म है। लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए यहाँ पे, लेकिन अभी ये पता नहीं ट्रेन में कितने मुसाफिर होंगे कितने नहीं और क्या सीन बनता है हमारे साथ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है स्टेशन पे। सो आई होप कि इतना ज़्यादा रश नहीं होगा ट्रेन के अंदर, क्योंकि लोकल ट्रेन है और एक ही ट्रेन उधर से आती है, तो इतने ज़्यादा लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। सो बाकी तो ट्रेन के अंदर जाकर ही पता लगेगा। ये तरनोल का स्टेशन है जी, वो सामने टिकट वाले, और इधर से ट्रेन आएगी इस साइड पे जाएगी अप साइड पे। ये स्टेशन है जी और ट्रेन आ गई सामने से अभी। ये ट्रेन है जिसमें हमने जाना है, इंजन इसका लगा है 8321 नंबर। पाकिस्तान रेलवे कोहाट एक्सप्रेस। जैसा कि मैंने बोला था, ट्रेन अंदर से खाली है, इतना ज़्यादा रश वगैरह नहीं है ट्रेन के अंदर। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना भूल गया कि इसके अंदर इकोनॉमी क्लास है, एसी स्टैंडर्ड नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर बर्थ भी नहीं है, सिर्फ बैठने के लिए सीट्स हैं। और ये मामू है जो मुझे छोड़ने आए हैं यहाँ पे, हसनैन मेरे साथ है और बैग वगैरह मामू ने पकड़े हुए हैं। इकोनॉमी क्लास है मामू सारा। और अभी चलते हैं जी ट्रेन के अंदर। ये ट्रेन के अंदर का माहौल है, ठीक, बाय बाय। और मामू छोड़ के जा रहे हैं हमें। ट्रेन अंदर से किस तरह का माहौल है ट्रेन का, इसमें सीट है सिर्फ, बर्थ वगैरह नहीं है, और टोटल इकोनॉमी क्लास है मुकम्मल। ये जिस साइड पर हम जा रहे हैं ये देखने में तो मगरिब की साइड है, क्योंकि सामने जो है ना सूरज ग्रूब हो रहा है, लेकिन हम इसको अप साइड बोलेंगे। अप साइड इसलिए
क्योंकि जिस साइड से हम आ रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो ये कराची वाली साइड से हम लोग जो है ना आ रहे हैं, और पिंडी वाली साइड पर जो है ना हम लोग आए हैं, और पिंडी से आगे ये पिंडी से आगे आपने जहाँ भी जाना है, बेशक वो आपने पेशावर जाना हो या कुहार जाना हो, वो अप साइड में ही काउंट होगी, वो उसको हम डाउन साइड नहीं बोलेंगे। डाउन साइड जो है ना कराची वाली साइड होती है। तो ये अभी कुहाट के रास्ते में हैं हम, और हमने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है और बाकी काफ़ी ज़्यादा अभी रहता है। वैसे तो खूबसूरती हमें यहाँ पर हर जगह पर नज़र आती है, लेकिन ये सामने आप चेक करें, ये जो मंज़र होता है ये बहुत कम जगहों पर पाया जाता है, बहुत खूबसूरत होता है। ट्रेन की पटरी और पटरी के बिल्कुल साथ ही सड़क, दरमियान में कोई आड़ वगैरह नहीं होती, कोई इतना ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं होता है रास्ता। सड़क की पटरी के बिल्कुल साथ जो है ना ये रोड गुजरना, ये एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करता है। और रोड अभी थोड़ा दूर हो गया यहाँ से, तो ये सामने वाली बोगी एज यू कैन सी ये ग्रीन कलर की है, जिस तरह की दूसरी ट्रेन होती है नॉर्मली। और ये पीछे वाली बोगी जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं ये है कराची एक्सप्रेस की, इसका कलर बाकी सारी ट्रेन की मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। ये इसका ब्लू कलर है और वाइट कलर से जो है ना इसके ऊपर लिखा होता है कराची एक्सप्रेस। ये एक बोगी जो है ना कराची एक्सप्रेस की इसमें लगाई गई है, और बाकी जो है कुहाट एक्सप्रेस ट्रेन की है सारी। ये माशाल्लाह मंज़र चेक करें, कितना प्यारा खूबसूरत मंज़र है यहाँ से। ये देखें जी, पाकिस्तान के जो है ना रंग बिरंगे इलाके यहाँ पे कुछ जो है बहुत ज़्यादा सरसब्ज हैं, और यहाँ से जो है ना काश्त के लिए ज़मीनें शुरू हो गई हैं। इससे पहले जो थे वो बत्ती के टीले थे छोटे छोटे, जिनके ऊपर जो है ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। और ग्रीनरी की दूसरी इसकी मेन जो है ना सामने से सूरज ग्रूब हो रहा है और उसकी वजह से पीली रोशनी आ रही है, तो उसकी वजह से जो ग्रीनरी है जो सब्ज़ा है उसमें थोड़ा थोड़ा पीला जो है ना वो कलर उसमें ऐड हो गया है, तो एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना मंज़र पेश कर रहा है ये। और यहाँ से जो है खेत स्टार्ट हो गए, ये घरे रकबा स्टार्ट हो गया यहाँ से मुकम्मल। और यहाँ से अगर आप सामने देखें तो आपको एक घर दिखाई दे रहे होंगे, वो एक शहर है काफ़ी बड़ा, और उसके साथ ही दरिया है, तो एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और इसके बाद एक और स्टेशन आने वाला है, वहाँ पर हमें स्टे करना है। स्टेशन है जी फतेह जंग, और फतेह जंग में पहुँचने वाले हैं हम। ये कुछ दरिया है और काश्त के लिए ज़मीन है। ये यहाँ पर वादी के अंदर एक शहर आबाद है। पहाड़ी इलाकों में ट्रेन का जो सफ़र है ना वो बहुत मज़ेदार होता है।
फतेह जंग सिटी आ गया है जी आगे, और फतेह जंग में स्टॉप करना है इसने। ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट है यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी तेज़ होगी ये ट्रेन, क्योंकि एक लोकल ट्रेन है, लेकिन बहुत स्पीड अप है। 150 के राउंड अबाउट इसकी स्पीड हो गई थी दरमियान में। जी फतेह जंग रेलवे स्टेशन पे, और ट्रेन की स्पीड यार जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा है। मेरे तो जहन में था कि एक लोकल ट्रेन है तो इसकी स्पीड जो है ना बहुत कम होगी, लेकिन बहुत फास्ट स्पीड थी इसकी, और इसकी स्पीड 130 को भी क्रॉस कर गई थी पीछे। ठीक है, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सो अभी यहाँ पर स्टॉप किया है, शायद 2-3 मिनट का होगा तो स्टॉप। सो अभी जो है ना ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है, तो बैठते हैं ट्रेन के अंदर और चलते हैं। बहुत मज़ेदार सफ़र है यार। मैं मौजूद है जी यहाँ से, ट्रेन हॉर्न दे रही है और चलने के लिए तैयार है, तो चलते हैं अपने बोगी के अंदर। आई थिंक स्पीड भी बहुत जल्दी पकड़ लेगी, तो जल्दी से बैठते हैं। और ट्रेन की जो हालत है ना, ट्रेन की कंडीशन, वो भी बहुत अच्छी है, करीबन दूसरी ट्रेन की नस्बत न्यू है, और 2018 से जो है ना स्टार्ट हुई है चलना, 2018 से स्टिल चल रही है अभी तक, और एक अच्छी सर्विस है ट्रेन की। लेकिन इसमें बर्थ वगैरह इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो है ना, इसने ट्रैवल थोड़ा करना होता है दूसरी ट्रेन की नस्बत, 177 किलोमीटर जो है ना इसने ट्रैवल करना है ऊपर। हमारी ट्रेन की ट्रैक के साथ के रोड जा रहा है, जो ये रावलपिंडी टू मियाँ वाली रोड है, और इस पटरी के साथ साथ जाएगा ये काफ़ी आगे तक। ट्रेन के अंदर का माहौल है जी इस तरह का, एक साइड पर जो है सिंगल चेयर लगी हुई है और एक साइड पर तीन वाली है। एंड यहाँ से अगर देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल है पाँव रखने के लिए भी, ये पाँव रखने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए भी है। सो काफ़ी जो है ना कंफर्टेबल है, सीट्स बैक साइड पर हैं पीछे से। रेलवे स्टेशन, और ये ट्रेन है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं अभी, और ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, इसके अंदर सीट है हमारी। सो आई थिंक 1-2 मिनट का स्टॉप होगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो टाइम जनाब इस वक्त हो गया है 5:15, और करीबन 7 बजे हमने पहुँचना है वहाँ पर। बेसल शरीफ, ये बेसल शरीफ रेलवे स्टेशन है, और इसके बाद जंक्शन आएगा बेसल शरीफ का ही, जो कि अटक से आती है ट्रेन और दूसरी कोहाट वाली साइड पे, तो वहाँ पर जंक्शन है इसका। तो अभी वहाँ पर स्टे करती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बिल्कुल छोटा सा स्टेशन है, और
बसाल शरीफ, पता नहीं बसाल है या बेसल है क्या है। ये ट्रैक आ रहा है जो दूसरा अटक वाली साइड से, यहाँ पर आके साथ मिल जाता है और आगे स्टेशन है। गए जी बसाल रेलवे स्टेशन पे और शाम हो गई है, करीबन 5:30 बजे का टाइम है। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। ये जंक्शन है जिसके माने मैंने आपको बोला था, अभी 2-3 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये भी, लेकिन जंक्शन है। अटक वाली लाइन यहाँ पर मिलती है आके इस गुहाट वाली लाइन में। अभी आ गए हैं जी जंड रेलवे जंक्शन पर। ये सीट मैंने आपको बताया था पहले, अभी मैं बाहर आपको स्टेशन दिखाता हूँ। ये जंड का रेलवे जंक्शन है, और जंक्शन है ये जहाँ से दूसरी लाइन निकलती है मियांवाली के लिए, और एक लाइन ये जो कोहाट को जा रही है और दूसरी सेकंड लाइन निकलती है मियांवाली को। सो और ये पंजाब का लास्ट स्टेशन है इस ट्रेन में, इसके बाद केपी शुरू हो जाएगा और यहाँ तक पंजाब था। ये है जी बाबरी बांडा रेलवे स्टेशन, और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेशन है वो कोहाट है। तकरीबन 10 मिनट बाद वो स्टेशन आ जाएगा कोहाट का। ये है जी ट्रेन का अंदरूनी मंज़र। यहाँ पर दरमियान में जो है, ये है जी अंदरूनी मंज़र ट्रेन का। ये दूसरा खाना है इसका, और इसमें जो है ना इस साइड पर डबल सीट हैं और इस साइड पर 3 लोगों वाली सीट लगाई हुई हैं। जो पीछे वाला डब्बा था उसमें एक साइड पर सिंगल। सो फाइनली पहुंच गए हैं जी कोहाट रेलवे स्टेशन पर, जो कि इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन था, और ट्रेन यहां पर खड़ी हुई है। और स्टेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक बहुत खूबसूरत स्टेशन है। और ये हमारी आखिरी मंजिल थी। अगर हमारा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ से अभी बाहर निकलना है हमने। ये स्टेशन का अंदरूनी मंज़र है दूसरी साइड से।